गंगा दशहरा के खास मौके पर उत्तराखंड की धार्मिक नगरी हरिद्वार में भक्तों ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। इस पावन अवसर पर हर की पौड़ी में भक्तों का तांता लगा रहा। काफी तादाद में लोगों ने गंगा नदी में स्नान करके भगवान की आराधना की। पुरुषों बच्चों के साथ साथ महिलाओं ने भी गंगा में नहाया और फिर आरती का हिस्सा भी बने। तो वहीं दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाने के बाद आज के दिन की महिमा कुछ इस तरह बताई है। गंगा जी आज पृथ्वी पर अवतरण दिवस है, मतलब आज गंगा जी का आज के दिन गंगा जी धरती पर आई थी। आज के दिन लोग गंगा स्नान करते हैं और बड़ा महत्व आज गंगा स्नान करने का, बहुत बड़ा दिन माना जाता है, बहुत अच्छा दिन माना जाता है। आज के दिन स्नान करने से कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, दान जप तप उससे बहुत फल मिलता है। तो वहीं एक और भक्त ने गंगा स्नान के महत्व के बारे में कुछ ये कहा है। आज के दिन का बहुत महत्व, आज के गंगा स्नान का बहुत महत्व है, दान पुण्य ये सब करने का बहुत महत्व है। और सुबह से आस्था से भरे थे, कल से ही सोच रखा था कि आज गंगा नहाना है तो मैं गंगा नहाने। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, सुबह तो और ज्यादा भीड़ थी, अभी तो थोड़ा कम हुआ है। अच्छा। बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छे दिन मानते हैं। हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं गंगा, हम लोग झारखंड से यहाँ आए हैं, आज गंगा दशहरा को हरिद्वार नहाने तो महत्व तो है, तभी तो मानते हैं, तभी तो। बताते चले आपको गंगा दशहरा के खास मौके पर प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खासी मुस्तैदी दिखाई है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।